पहले जैसे सुनते थे कि ऋषियों के पास उनके मार्ग भ्रष्ट करने के लिए अप्सराएं भेजी जाती थी, सुना है आपने? अब जरूरतें नहीं, समझ रहे हमारी बात? आजकल मन के अनुसार ही चलना है, शास्त्र गुरु संत साधना। अब जैसे कुछ महापुरुष ऐसे हैं तो ये सिद्धियां भगवत प्राप्ति में बाधक हैं, ये भगवत दर्शन नहीं करने देंगे। जब कोई भगवत मार्ग में सच्चाई से अग्रसर होता है तो इंद्री द्वार झरोखन नाना, बैठे देवता करी कर थाना, आवत देखें विषय बयारी, तुरते देह किवाड़ उघारी। पहला काम करते हैं देवी माया से प्रेरित होकर हर देवता अपने अपने अंगों पर विराजमान हो जाते हैं और जहां उसके अंदर जो वासना रही है वो सामग्री सामने फेंक देते हैं भोग की, और स्वतंत्रता, और उसके लिए कोई बंधन नहीं क्योंकि वो परमार्थ का पथिक है ना। अगर वो सच्चे गुरु का चेला नहीं है, उसे युक्ति पता नहीं है, तो समझेगा कि भगवान तो बाद में मिल जाएंगे और माफ भी कर देंगे, गिर गए अब कोई सिद्धि नहीं आएगी। अब अगर उसको क्रॉस कर गया, किसी भोगों को नहीं भोगा, तब आगे रिद्धि सिद्ध पेरे बहु आई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिंतन चितई न अनहित जा। ये हमारा नाश कर देंगे भगवत मार्ग। अच्छा, जैसे इसी प्राकृतिक शरीर को कई जगह दिखा देना, ये क्या चिदानंद बात हुई क्या? ये तो जादूगर भी दिखा सकता है, काट के नहीं दिखा देता। कई कितने जादू ऐसे आश्चर्य में, ये कोई जादू, ये सिद्धियां। जैसे एक पर्वत में प्रवेश कर गया, एक ही समय में कई जगह वो बैठा हुआ है, दिखाई देगा सिद्धियां हैं, लेकिन उस सत्य वस्तु की जो परम बोध प्राप्ति है वो रुक गई। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिंतन चितई ना नहीं जानी। इनसे हमारा अनहित हो जाता, हमारा जो भगवत प्राप्ति, जो मोक्ष पद, जो ब्रह्म बोध, ये रुक जाए। तो जो मार्ग के पथिक सच्चे हैं वो इनको क्रॉस कर जाते हैं। आता है जैसे आपकी जो योग्यता है उसके अनुसार आपको पुरस्कार मिलेगा ना, वो सुन नहीं अंदर आता है, नहीं हमारा लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति है। सब उसको ज्ञान है, एक सेकंड में आपका एक सरा करके बता सकता है, ऐसी सब ज्ञान प्रयोग नहीं, ऐसा थोड़ी क्या है नहीं। अगर कहीं विषम परिस्थिति पड़ी या कहीं विशेष, जैसे भरद्वाज जी से समस्त सिद्धियां थी, कभी प्रयोग नहीं किया, लेकिन जब भरत जी अयोध्या के पूरे परिकर के साथ पहुंचे तो एक ऋषि के आश्रम में इतनी व्यवस्था कहाँ हो सकती है, दो चार जन आवे कन्नु। फिर उन्होंने कहा कि अतिथि तो बहुत बड़े आए हैं भरत जी महाराज, और पूरी अयोध्या भगवान राम के प्रेम में। तो फिर कहा, आज तक तो तुम्हें स्वीकार नहीं किया, आज तुम सफल हो, जाओ समस्त अयोध्या वासियों और भरत जी के लिए ऐसी व्यवस्था करो देवराज इंद्र के पास भी जो वैभव ना हो, ऐसा ऐसा किया, वर्णन आता है। लेकिन भरत जी और भरद्वाज जी दोनों असंग रहे, ना भरत जी ने किसी सिद्धि के सुख को स्वीकार किया और ना भरद्वाज जी ने। अयोध्या वासियों की ये दशा थी, अब चूंकि महामहिम सिद्धियां है, ये दशा थी कि कभी इधर ललचा जाता मन तो कभी भगवान के वियोग में हाराम करके रोने लगते थे, लेकिन भरत जी और भरद्वाज जी। तो ये जो जैसे बहुत सी सिद्धियां होती छोटी मोटी ऐसी भगवत प्राप्ति, बड़ा लक्ष्य। जो भूमा सुख का अधिकारी बनना चाहता है वो अल्प सुख का त्यागी होता है, ये सिद्धियां भी तो अल्प सुख प्रदान करने वाली। जो आगे बढ़ता है तो भियाणिमा महिमा गरिमा लघिमा, ये सिद्धियां भगवत प्रदत्त होती हैं, ना चाहते हुए भी उसका वैभव, उसका तेज, उसका यश, उसका प्रकाश, वो चाह नहीं रहा, वो अपने आप होता है, अपने आप हो रहा है। जैसे पुष्प में सुगंध आ जाती है तो भौरे अपने आप आ जाते हैं, वहां कोई चिट्ठी या कार्ड थोड़ी भेजा जाता है, वो भागवतिक होता है, उसकी स्वेच्छा नहीं होती है। अगर स्वेच्छा से सिद्धियों को स्वीकार कर ले तो उसका भगवत मार्ग रुक जाएगा। आप समझ पा रहे? और कुछ प्रश्न? भव सागर से मतलब पार पाने का यही उपाय है राधा नाम जपने? भव सागर से एकमात्र भगवत आश्रय लेकर। कल यही चर्चा की थी कि प्रायः जैसे लोगों का भाव होता है कि हम किसी चमत्कारिक के पास जाएं और वो हमारा तत्कालिक दुख है, जैसे आप किसी समस्या में, हर व्यक्ति कोई ना कोई समस्या रहती है कि उस समस्या से मुक्त हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना, तो उसका हमारा भाव नहीं समझ पाते लोग। भैया हमारा मकसद ये है कि तुम एक टहनी छोटी सी काट दी, मान लो बहुत समर्थ हो, पर वो अभी चार वहीं से और किनके निकलेंगे, और पूरा वृक्ष है। हमारे दुखों की निवृत्ति हो गई क्या? दुखों की निवृत्ति के लिए हमें पूरा वृक्ष उखाड़ना पड़ेगा जड़ से। भौ रोग की अचूक औषधि, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, नाम लेत भव सिंधु सुखाई,
करो विचार सुजन मन माही। अये सुजन मन में विचार करो, भगवान नाम लेते लेते सारे पाप नष्ट हो गए और भव समुद्र सूख गया, आवागमन से मुक्त हो गए निरंतर नाम जपने से। अब इस बात को ना समझने का, जैसे एक ज्योतिषाचार्य जी आए थे, क्योंकि जैसे हम प्रायः कह देते हैं भाई हाथ की रेखा अगर तुम देख रहे हो तो तुम अपनी देख लो और इतने महान बन जाओ कि इन रेखाओं को बदल दो। बदल सकते हो आप, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है। अब हमारी सत बात को ना समझने के कारण उनको लगा कि ये तो ज्योतिषाचार्यों की निंदा हो गई। नहीं, ज्योतिष शास्त्र सत्य है, ज्योतिष शास्त्र सत्य है, लेकिन वो क्या बताता है? तुम्हारे किए हुए कर्मों की रचना को। हम क्या बताते हैं? तुम्हारे किए हुए कर्मों की रचना को मिटारने के लिए, नए भाग्य की रचना के लिए। हम पशु नहीं है कि उन्हीं भोगों को भोगते हुए मर जाएं। हम नए भाग्य की रचना करेंगे। किससे? राधा 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 राधा। अब क्या है कि जितनी बुद्धि उतना समझ में। फिर वही आए थे दर्शन करने और कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी वाणी को जब सुना आगे चल करके कई बार, तब मुझे समझ में आया भाई परमार्थ के पथ में कोई हमें गाली देगा, कोई हमें नमस्कार करेगा, ये तो संसार। अभी कड़वा नहीं लगेगा? वही पत्नी पुत्र परिवार इसी में फंसे हो, पूरा जीवन नष्ट कर रहे हो, ये मरण धर्मा शरीर कभी भी एक मिनट में छूट जाएगा। ये राधा राधा बोल, सब में भगवान की भावना कर। अब ये बात ना आगे वाली नहीं समझी, पीछे वाले बाबा के। तो ये संतों के पास जाए, अपना आग्रह दुराग्रह छोड़कर वो जो कह रहे हैं बड़ी सूक्ष्मता से समझे तो बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास आए किस लिए? कुछ अध्यात्म की बात तो सुनने आए हो। अच्छे आचरण अगर करो जीवन में, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, पक्की बात कह रहा हूं। वही हम आपको सत्य वचन सुनने में अब रुचि कम रह गई है। अगर सत शास्त्रों की वार्ता, सत्य वार्ता सुनोगे तो ऐसा नहीं, कलयुग वहां है जहां उसके आचरण है। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, परस्त्री गमन करना, हिंसा करना और स्वर्ण चोरी, सूर्य, अगर ये पांच में एक भी है तो कलयुग है, अगर ये नहीं है तो नहीं है। आप बोलो यहाँ क्या कलयुग है? अपने लोग सब बैठे हैं, क्या कलयुग है? क्योंकि भगवत चर्चा हो रही, साधु समागम हो रहा है, यही तो हर समय हो सकता है। अगर हम नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, व्यसन छोड़ दो तो कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।